आपका स्वागत है सूर्यकांत टेक्निकल गुरु में। आज हमारे पास मारुति की 800 अल्टो गाड़ी है कार, उसका आज ऑयल चेंज करना है और जनरल सर्विसिंग भी है। क्या प्रोसेस रहती, उसके लिए कौन से टूल्स लगते हैं वो आपको पूरे डिटेल में बताएंगे, ठीक है, दिखाते। सो अपने को कौन से टूल्स लगने वाले वो देखेंगे अभी। ये इस तरह का सॉकेट रहता है, जो ड्रेन बोल्ट में सॉकेट लगेगा वही सॉकेट यूज़ करने का। यहाँ पे 17 नंबर का सॉकेट लग रहा है तो अपन 17 नंबर का सॉकेट यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ऑयल फिल्टर रिमूवर स्पैनर लगेगा, ठीक है। जब भी कभी भी अपन ऑयल चेंज करते हैं तो अपने को ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ता है, तो इस तरीके से या और भी मार्केट में मिलते हैं टूल्स ऑयल फिल्टर ओपन करने वाले, तो वो भी आप ले सकते हो। अपने पास ये वाला बेल्ट वाला कूलर अवेलेबल है, इसलिए हमने ये लिए टूल्स, ठीक है। और एक एक्सटेंशन होगा तुम्हारे पास पाइप वगैरह, तो वो पाइप भी ले सकते हो आप, ठीक है। और एक हैमर, ताकि अपन जो बोल्ट ओपन कर रहे हैं थोड़ा सा उसको हैमरिंग करने के लिए हैमर भी यूज़ करते हो। और इसके बाद में एक इस तरह का एक बर्तन लगेगा अपने को ऑयल कलेक्ट करने के लिए। प्रोसेस उसी तरह के रहेंगे जिस तरीके से हमने टू व्हीलर्स बाइक का ऑयल चेंज किए थे, उसी तरह के गाड़ी थोड़ी देर स्टार्ट करके इंजन गर्म कर देते ताकि पूरा ऑयल फ्लश हो जाए, फ्लश होए ऑयल पंप से लेके फिल्टर से लेके फ्लश होके पूरा ऑयल गर्म हो जाए, बाद में इजीली ऑयल नीचे आ जाता है, ठीक है। अभी थोड़ी देर गाड़ी चालू करेंगे, बाद में प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो अभी गाड़ी चालू करके थोड़ी हमने हीट गर्म कर दी है, तो गाड़ी को थोड़ा सा जैक पे लगा ले, ठीक है। इस तरीके से हमने पहले से जैक पे लगा दी है गाड़ी को, ठीक है। इस तरीके से लगा देते हैं जैक, उसके बाद में आपको दिखाते हैं ड्रेन बोल्ट कहाँ रहता है। इस तरह का देखो जो ड्रेन बोल्ट रहता है यहाँ पे, ये ड्रेन बोल्ट है, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ से ड्रेन बोल्ट दिख रहा होगा। देखो ड्रेन बोल्ट में 17 नंबर का सॉकेट आराम से लग रहा है, देखो इस तरह से पूरा परफेक्ट लग जा रहा है 17 नंबर का सॉकेट, देखो इस तरह से। और यहाँ पे आगे में आएंगे आप तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये ऑयल फिल्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने ये अभी यहाँ से जो ड्रेन बोल्ट है वो निकाल देते हैं, देखो सॉकेट की मदद से। और यहाँ पे अगर ये ड्रेन बोल्ट जाम रहता है तो पाइप यूज करना पड़ता है, इस तरह से खोल कर ओपन कर देते हैं, देखो इस तरह से ऑयल आ जाएगा बाहर। देखो ये बर्तन अपने को बड़ा इसलिए लगता है, देखो ये प्रेशर से बाहर आता है, दूर तक फेंकता है। सो फ्रेंड्स ऑयल पूरी तरह से नीचे आ चुका है, अभी अपन ड्रेन बोर्ड लगा देती है इसका। ओके, ड्रेन बोर्ड लगाते समय एक बात का ध्यान रखें, तो भी थोड़ा सा पोत देते हैं यहाँ पे ऑयल ना रह जाए, ठीक है। ड्रेन बोर्ड लगाते समय एक ध्यान दे कि यहाँ पे वाइसर है या नहीं है, ठीक है। जो वाइसर है इस तरह का वाइसर रहता है टू व्हीलर में, इसको दिखाते अभी बाहर निकल के किस तरह का रहता है। टू व्हीलर में एल्यूमिनियम का वॉशर रहता है, और जो फोर व्हीलर व्हीकल्स है इसमें कॉपर का वॉशर रहता है, वो चेक कर ले कि वॉशर है या नहीं है। अगर वॉशर नहीं होगा तो अपन मार्केट से लाके इसमें लगा देना है, ठीक है। तो अभी अपन वॉशर है इसमें तो अपन यही वॉशर अभी इसको लगा देते, पर अगर अपने पास नया होगा तो नया भी लगा सकते अपन, ठीक है। अपने पास अभी है नहीं है तो ये पुराना वाला ही हम लगा देते हैं। इसको एंटी क्लॉकवाइज ओपन किए थे, अभी क्लॉकवाइज को टाइप करेंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो घड़ी की दिशा में चलता है उस दिशा में टाइट करेंगे इसको, और ओपन करते समय एंटी क्लॉकवाइज ओपन करना है, घड़ी की उल्टी दिशा में अपने को ओपन करना है बोल्ट। इस तरीके से अभी इसको टाइट कर देते हैं, तो इस तरीके से टाइट कर देते हैं पूरा फुल। ओके, अपना बोल्ट टाइट हो चुका है पूरा, अभी ऑयल फिल्टर ओपन करेंगे। यहाँ पे ऑयल फिल्टर है, देखो यहाँ से। तो फ्रेंड्स इसको भी अपन एंटी क्लॉकवाइज ओपन करेंगे, इस तरीके से टूल्स लगा देंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे इस तरीके से यहाँ पे। ओके, इसके अदर्स भी टूल अवेलेबल है मार्केट में, अपने पास जो टूल था अपन उससे ओपन कर रहे हैं।
थोड़ा सा दिक्कत जाता है गाड़ियों में, अल्टो गाड़ी में इस टाइप का टूल्स में। इसके भी मार्केट में दूसरे टूल्स भी अवेलेबल रहते हैं। अपने पास जो टूल था उससे ही हम ओपन कर रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, इस तरीके से निकल जाता है, देखो इस तरीके से आ रहा है। ओके, अभी भी थोड़ा सा ये बर्तन रख देते हैं ताकि यहाँ से भी ऑयल आता है बाहर। देखो इस तरीके से ओपन हो गया। तो फ्रेंड्स, अपना ऑयल फिल्टर भी निकल चुका है। लगाने की भी प्रोसेस बताएंगे आपको किस तरह से लगाना है। सो फ्रेंड्स, ये फिल्टर बाहर आ चुका है, फिल्टर भी निकाल दिए है। अभी इसको फिट करने का भी प्रोसेस बता देंगे। मार्केट से ओरिजिनल मारुति सुजुकी कंपनी का ही फिल्टर लाया है, ठीक है, उसी कंपनी का लाने, नहीं तो बड़े छोटे रहते हैं उसमें। कभी कभी क्या होता है, अपन लोकल गैरेज से लेके आते हैं तो यहाँ पे जो होल रहता है ये होल में थोड़ा डिफरेंट रहता है, वही मॉडल का लेके आने का। किसी का होल बड़ा रहता है जिसमें कोई दूसरी गाड़ी रहती है उसका फिल्टर बड़ा रहता है, जिसमें बड़े छोटे दो मॉडल के रहते हैं। तो बराबर चेक कर लेके लाने का है कंपनी का, ठीक है। अब इसको लगाने की प्रोसेस बताएंगे। तो इस तरीके से फिल्टर आ गया बाहर, ठीक है। मारुति सुजुकी कंपनी का ही, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मॉडल भी लिखा होगा E033 मॉडल, इसमें नहीं लिखा, ये पेडोटर कंपनी का था। सो फ्रेंड्स, अभी आपको बताते हैं ऑयल फिल्टर लगाने से पहले क्या प्रोसेस कंपनी ने बताई है। यहाँ बोला गया है, ऑयल फिल्टर कसने से पहले गास्केट की सतह पर तेल की पतली परत बिछा दे, यानी कि जो ये ओरिंग है इसको बोले है गास्केट, ठीक है। तो इसके ऊपर जो पुराना ऑयल निकला हुआ है उसका ही थोड़ा सा लेयर लगा ले, ताकि अपन जब नेक्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो इजीली ओपन हो जाए, यहाँ पे स्टक ना हो, चिपक ना जाए वो बॉडी को। क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो चिपक जाता है, ठीक है, और फिर बाद में फिल्टर अपन जब ओपन करते हैं तो निकल नहीं पाता, ठीक है, अपने को प्रॉब्लम जाता है निकालते समय। इसलिए कंपनी ने बोला गया है कि यहाँ पे पहले ऑयल की लेयर लगा ले, उसी के बाद में इसको टाइट करें। अब इसको टाइट सेकंड प्रोसेस क्या बोल रहे हैं, फिल्टर को हाथ से ब्लॉक की सतह पर छूने तक कसे, यानी कि जो फिल्टर है वो फिल्टर पूरा ब्लॉक जहाँ अपना ऑयल फिल्टर फिट हो रहा है वहाँ लगाने से पहले पूरा छू जाए वहाँ पे, ताकि पूरा टच हो जाए वहाँ पे बॉडी में। उस तरह से अपने हाथ से उसे कसे, ठीक है, जितना दमे अपने हाथ से कसे। उसके बाद में बोल रहा है कसाव बल 12 न्यूटन मीटर। अपने पास तो टॉर्क नहीं रहता है जनरली पोजीशन में, तो वहाँ इसका कुछ मीनिंग नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है कि इंजन चालू करे और तेल रिसने की जांच करे, ठीक है। अब इसका ये थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आपको एक बताता हूँ कि अपने पास टॉर्क नहीं है, ओके। टॉर्क नहीं रहने के बाद क्या होता है, तो जो कंपनी में टॉर्क्स वगैरह प्रोवाइड रहते हैं तो अपने जनरली लोकल गैरेज या बाहर टॉर्क्स वगैरह प्रोवाइड नहीं रहते, अपन यहाँ ऑयल फिल्टर में टॉर्क नहीं मारते। सो फ्रेंड्स, आपको बताते हैं अभी इसको किस तरह से टाइट करना है। हाथ से टाइट होने के बाद उसके बाद में ये प्रोसेस करना है। जैसे समझ लो, ये हमने आपको बताने के लिए, समझाने के लिए एक राउंड बनाया है, ठीक है। अगर ये पोजिशन में अपना हाथ से टाइट कर दिया अपन ने, ठीक है, अपनी, ठीक है, जो बॉडी को टच होने के बाद, उसके बाद में यहाँ से ऐसी घुमाने के बाद, रोटेट करने के बाद, ये जो पॉइंट दिख रहा है ये पॉइंट में जाके रोक दे, ठीक है। अपना अंदर से थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है, बट ध्यान रखें कि इतना ही अपना घूमना चाहिए, ओके। ये प्रोसेस है लगाने का, कंपनी बोल रही है इसमें इस तरह के इसमें फिटमेंट करे करके, ठीक है। ओके, अभी ये थर्ड पॉइंट है, इंजन चालू करें और तेल रिसने की जांच करें, यानी इंजन चालू करने के बाद, थोड़ी देर चालू करने के बाद ये चेक करना है कि यहाँ से ऑयल वगैरह बाहर आ रहा है नहीं आ रहा है, उस तरीके की जांच कर ले। रख रखाव के अंतराल हेतु निर्देशक पुस्तिका देखें, ठीक है। अभी गाड़ी के साथ में जो सर्विस मैनुअल मिलती है उसमें भी चेक कर ले किस तरह से फिटमेंट करना है, और इसकी कितने दिन बाद सर्विसिंग करना है, कितने दिन बाद इसको ऑयल फिल्टर चेंज करना है। वैसे तो जनरली जब भी अपन ऑयल चेंज करते हैं उस टाइम अपने को ऑयल फिल्टर चेंज करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ये इस तरह के कंपनी ने निर्देश दिए हैं,
कॉशंस दिए हैं कंपनी ने, वो तो ये अभी हम लगा देते हैं। ये नया वाला ऑयल फिल्टर है, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक ऑयल की छोटी सी एक लेयर लगा देंगे, ठीक है, एक ऑयल छोटी सी लेयर लगा लेंगे इस तरह से। और से एक इसका वर्किंग है, क्यों लगाती है इसको, ठीक है, प्रोसेस क्यों लगाना पड़ता है इसको, क्या होता है जब अपन इसको टाइट करते जाते हैं, तो क्या होता है, अगर ये चिपक जाएंगी, अगर ये इसमें लुब्रिकेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये एक साइड बाहर निकल जाएगा और ये ओरिंग जो है टेढ़ी हो जाएगी, या ये ग्रू से बाहर निकल सकती है, इसलिए ये अपने को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करने के लिए ये अपने को निर्देशित दिए गए हैं कंपनी के थ्रू, और ये करना भी चाहिए। ओके, इस तरीके से ये इसका लगाएंगे अभी, चलो। सो फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे जो फिल्टर माउंट होता है, ये वाला जो पोर्शन है अपने को एक कॉटन वेस की मदद से पोंछ लेना चाहिए, ठीक है, पोंछ लेते हैं इसको, इस तरीके से पोंछ लेते हैं, ये देखो, यहाँ पूरा साफ क्लीन कर देते हैं, उसके बाद में अपन यहाँ पे ऑयल फिल्टर लगा देंगे। अगर आप चाहे तो इसमें, कभी देखे हमने कोई लोकल गैरेज में, इसमें थोड़ा सा ऑयल इंसर्ट कर देते हैं कोई कोई, पर कंपनी में नहीं होता ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये फिल्टर अभी हम लगा देते हैं, यहाँ पे पोंछ दिए हैं अभी, ठीक है, ये पूरा पोर्शन साफ कर दिए है, उसके बाद में, ठीक है, इसको लगा देते हैं इस तरीके से, तो क्लॉकवाइज लगाएंगे, इस तरीके से टाइट कर देते हैं, जितना हो सके उतना हाथ से टाइट कर देंगे इसका, ताकि ये जो पोर्शन है, जो रबर वाला पोर्शन है, पूरा बॉडी को, और ये जो फिल्टर है वो बॉडी को चिपक जाए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये फिल्टर अपन यहाँ लगा चुके हैं, देखो बॉडी को टच हो चुका है ये पार्ट। सो फ्रेंड्स, अपना जो ऑयल फिल्टर है यहाँ पे स्टक हो चुका है, देखो बॉडी को यहाँ पे लग चुका है ब्लॉक के पार्ट को। सो अभी इसके बाद में अपने को 3/4 राउंड इसको मूव करना है स्पैनर थ्रू, ठीक है, टूल्स थ्रू। तो फ्रेंड, इसको भी 3/4 राउंड घुमा देते हैं। ओके, अपनी टाइट हो चुका है, ठीक है, इस तरह से। ओके, लग चुका है अपना फिल्टर, ठीक है, इस तरह से। अभी देखते हैं अपन गाड़ी चालू करके इसमें से लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है, ऑयल डालेंगे इसके अंदर, उसके बाद में चेक करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऑयल फिल्टर हमने लगा चुके हैं गाड़ी का, तो अभी इसमें ऑयल इंसर्ट करेंगे, इसमें 3 लीटर ऑयल लगता है, ऑयल डालेंगे, गाड़ी स्टार्ट करेंगे, फिर चेक करेंगे ऑयल फिल्टर में से ऑयल लीकेज हो रहा है नहीं हो रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स अभी ये ऑयल अपन इंसर्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है, 3 लीटर ऑयल लगता है गाड़ी में। ठीक है, ऑयल डाल दिए, अभी थोड़ा सा इसमें रखे हमने ऑयल, ठीक है, इसमें डिस्ट्रिक्ट से चेक करेंगे ऑयल लेवल, उसके बाद में दिखाते हैं आपको। सो फ्रेंड्स, अभी इसका ऑयल इंसर्ट कर दिए है अपन ने, ठीक है, तो अभी इसको लेवल चेक करेंगे, उसके बाद में गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, रोल करने के बाद, थोड़ी देर के बाद और लेवल चेक करेंगे गाड़ी का। क्या होता है, गाड़ी में ऑयल डालने के बाद वो ऑयल फिल्टर में थोड़ा ऑयल चले जाता है, तो लेवल और कम हो सकती है, तो अपन अभी इसमें दिखाएंगे आपको। ये देखो, इसमें डिपस्टिक में चेक कर दिए, यहाँ पे लेवल देखो, ये लेवल आ रहा है, पूछ के बताते हैं, ठीक है, इस तरह के इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, यह निकलते हैं, ये देखो, ये ऑयल लेवल दिखा रहा है इसका। ओके, तो अभी गाड़ी स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद, और इसका लेवल और फिर से चेक करेंगे। ओके, तो फ्रेंड, गाड़ी का जो ऑयल का लेवल है वो चेक करने से पहले गाड़ी जो है एक प्लेन सरफेस पे रखना जरूरी है, इंक्लाइंड नहीं रहना चाहिए गाड़ी, या जैक पे नहीं रहना चाहिए गाड़ी, इंक्लाइंड एक सेम पोजीशन में रहना चाहिए, ताकि इक्वली ये रहे और अपने को ऑयल लेवल परफेक्ट मिले। इस कारण अपने को ऑयल गाड़ी जो है प्लेन पोजिशन पर रखना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखें। फिर इंजन थोड़ी देर इंजन स्टार्ट करते हैं, रोटेट करते हैं, रेस करते हैं, ठीक है।
अभी पूरा ऑयल सर्कुलेट होना स्टार्ट हो गया है, अभी इसके फिल्टर में भी ऑयल जाएगा, बाद में थोड़ी देर बाद अपन गाड़ी का ऑयल लेवल फिर से चेक करेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा रेस करते हैं यहाँ पे गाड़ी, अभी ऑयल गाड़ी चालू कर दी है, उसके बाद में अभी लेवल ये चेक करते हैं इसमें लीकेज है कि नहीं है, ठीक है फिल्टर में से। ओके लीकेज वगैरह नहीं है, आपसे दिखाती है अभी आपको, यहाँ से यहाँ पे हाथ लगा थोड़ा सा, पूरा हाथ रोटेट कर ले, लीकेज दिख रहा होगा तो फिल्टर थोड़ा सा टाइट कर दे। ओके यहाँ पे लीकेज नहीं आ रहा है, अपना ऑयल फिल्टर पूरी तरह से लग चुका है पूरा, ठीक है लीकेज भी नहीं आ रहा है देखो। ओके मैं ऑयल सर्कुलेशन चालू रहता है, अभी फिल्टर भी गर्म हो चुका है। ओके सो फ्रेंड्स अभी इंजन चालू करके थोड़ी देर हो चुका है, ठीक है अभी इसका लेवल चेक करते हैं यहाँ से इस तरह के, देखो ये देखो ऑयल लेवल आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे देखो इस तरह कैसे। ओके पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे आ गया ने जो ऑयल फिल्टर में ऑयल पहुँच चुका है, ठीक है तो यहाँ पे अभी ये ऑयल लेवल कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, कार का मारुति अल्टो 800 का ऑयल रिप्लेसमेंट वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखे, और कुछ सजेशन हो गए तो कमेंट बॉक्स में वो भी आप लिख सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।